बहुत लोगों ने कई महीनों से मुझे रिक्वेस्ट किया था कि यूईआर 2 का वीडियो बनाओ। अब वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट भी ब्रिज बना रही है, वो 2x2 लेन का ब्रिज है, 90 गर्डर्स यहाँ पे प्लेस होने हैं। तो आप मान के चलिए कि एंड ऑफ जून 2022 तक मूर्थल की तरफ या जीटी करनाल रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाएगा जाना। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उससे पहले यूईआर 2 को कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि यूईआर 2 जो है इतने सारे 2 और 3 है कि आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इसको शब्दों में बयान ही किया जा सकता है, उसे फील कर सकते हैं और इस समय मैं वो फील कर रहा हूँ, एक्सट्रीम हीट। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर 2 के बारे में बताने वाला हूँ। ये बताने वाला हूँ कि यूईआर 2 जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास कहाँ पे कनेक्ट होगा, और अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से यूईआर 2 में जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो सब आपको बताने वाला हूँ। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये भरतल चौक है, ये आपने पहले भी देखा होगा। यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर आप चले जाएंगे तो आप शिव मूर्ति की तरफ चले जाएंगे, यानी कि NH 8 की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे इस तरफ अगर आप जाते हैं तो सेक्टर 22 और सेक्टर 23 है द्वारका का, और यहीं से आप अगर आगे चले जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत वंदना पार्क है, वो पार्क बन रहा है। अब इस भरतल चौक से अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर आके इस जगह पे पैकेज 2 ख़त्म हो जाता है और आप पैकेज 3 में गुड़गांव में एंटर कर जाते हैं। ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। भरतल चौक से अगर हम धुलसिरस की तरफ चलते हैं या नजफगढ़ की तरफ चलते हैं, यानी कि इस पॉइंट से अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो देखिए यहाँ पे IICC है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। इसको जैसे आप क्रॉस करते हैं तो ये वाले सेक्शन में धुलसिरस चौक आ जाता है। धुलसिरस चौक से जैसे आप और आगे जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो इस पॉइंट पे द्वारका एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है। देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे आके द्वारका एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है और यहाँ से यूईआर 2 शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूईआर 2 के इस सेक्शन में, देखिए थोड़ा सा और मैप को मैं एक काम करता हूँ, मैप को टर्न कर देता हूँ, अब आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। देखिए यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे ख़त्म हो जाता है अगर आप भरतल चौक की तरफ से धुलसिरस चौक को क्रॉस करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं। यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो ये वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये पूरा सेक्शन, ये पैकेज 3 है यूईआर 2 का। तो पैकेज 3 के इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, देखिए ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं जबकि ड्रेन के ऊपर, यहाँ पे ब्रिज का क्या काम चल रहा है, कितना काम हो गया है। इस पॉइंट से वीडियो को मैं इस पॉइंट से बनाऊंगा, यहाँ से भी वीडियो दिखा दूंगा कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। फिर हम इस वीडियो में यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चलेंगे, देखिए इस डायरेक्शन में चलेंगे हम, यहाँ पे जो द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर 2 का जो इंटरसेक्शन है जहाँ पे, वहाँ पे यूईआर 2 का कितना काम हो गया वो भी आपको दिखाऊंगा। हालांकि जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है उसकी जो कनेक्टिविटी है यूईआर 2 के साथ, तो यूईआर 2 में 3 पैकेजेस है, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, और उसके बाद 2 और पैकेज हैं जिसमें बाईपास है। एक तो यूईआर 2 पूरा, 3 पैकेज है यूईआर 2 के, उसके बाद 2 इसमें बाईपास है, एक बहादुरगढ़ का बाईपास है और एक बाईपास जो है वो सोनीपत जाने का बाईपास है। 5ों पैकेजेस में आज के डेट में काम शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इस सेक्शन से इस सेक्शन का पूरा दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाला सेक्शन भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है यहाँ पे बना हुआ, ये दिल्ली गवर्नमेंट ये ब्रिज बना रही है। ये पोर्शन आपको कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, आज के डेट पे ये भी कनेक्ट हो गया है। तो इस ब्रिज को बनाने में आप तकरीबन मान के चलिए कि 2 से 2.5 साल लगा, बीच में लॉकडाउन भी था, काम रुका भी था, NGT का बैन था तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, काफ़ी सारे हर्डल्स भी थे, बट उसके बावजूद ये ब्रिज आज के डेट में बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गया फिनिशिंग के टाइम पे। बट ये वाला जो ब्रिज यहाँ पे बन रहा है, जो NHAI बना रही है ये वाला, इसमें आप मान के चलिए कि कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि इतना फास्ट काम चल रहा है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे टूट जाएंगे। तो यहाँ पे आज के डेट पे क्या काम चल रहा है आइए वो चलकर आपको दिखाता हूँ। तो यूईआर 2 के अगर आपको पूरे अलाइनमेंट का वीडियो देखना है और एक एक चीज़ जानना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया करूँ आगे से। तो फिलहाल आज की डेट में यूईआर 2 की जो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी है उसमें क्या क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ और उसका टाइमलाइन भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में।
पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन्स सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हों और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं, ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए आपको वीडियो दिखाता हूं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे नहीं हूं, इस वक्त मैं UER2 में हूं। बहुत लोगों ने कई महीनों से मुझे रिक्वेस्ट किया था कि UER2 का वीडियो बनाओ, तो आज मैंने सोचा कि UER2 में मुझे काम दिख रहा है तो UER2 का एक छोटा सा वीडियो अपडेट बनाकर आप सबके साथ शेयर कर दूंगा। मेरे पीछे जो आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये द्वारका का सेक्टर 24 है, और मेरे सामने जो है वो नजफगढ़ ड्रेन है। तो यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। पीछे जो आपको हाई टेंशन यहाँ पे टावर दिख रहा है, इसके और अगर इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो धुलसरस चौक आ जाएगा द्वारका का, और यहाँ से अगर हम लेट्स से 450 मीटर आगे चले जाते हैं तो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 आ जाएगा, जहाँ पे कास्टिंग यार्ड है। आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे के जो पैकेज 2 में कास्टिंग यार्ड है, पैकेज 1 का कास्टिंग यार्ड है वो, जहाँ पे गर्डर्स को बनाया जा रहा था जो टनल के ऊपर प्लेस होंगे। फिलहाल ये जो जगह है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर आप नजफगढ़ ड्रेन की तरफ से कभी गुड़गांव की तरफ जाते थे दिल्ली से, तो इसी रास्ते से जाते थे। ये पहले ब्लैक टॉप हुआ करता था पूरा, और देखिए इस डायरेक्शन में चले जाएंगे तो हम गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे नजफगढ़ ड्रेन वाले रास्ते को लेते हुए। अब मैं कैमरे को टर्न करके यहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ और इसका टाइमलाइन बताता हूँ। UER2 के जिस सेक्शन में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पैकेज 3 है UER2 का, लगभग ये रफली 9 किलोमीटर्स के करीब का पैकेज है, और ये वो पैकेज है जो UER2 को कनेक्ट कर देगा द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के साथ। इसका जो काम शुरू हुआ था वो नवंबर 2021 में शुरू हुआ था, इसका जो कंप्लीशन का टाइमलाइन है वो 27 नवंबर 2023 का है, यानी कि अगले साल नवंबर 2023 में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल जिस स्ट्रेच में मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे आपको बहुत सारे क्रेन्स ये सब दिख रहे होंगे, तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है और एक्सप्लेन करता हूँ और इसका टाइमलाइन भी बताता हूँ कि यहाँ पे जिस सेक्शन में मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ ड्रेन के पास, यहाँ पे जो ब्रिज बनना है, जो NHAI बना रही है, जो गौड़ कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं, उसका क्या टाइमलाइन है। आइए कैमरे को टर्न करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या काम चल रहा है। तो देखिए सामने वहाँ अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, बिल्कुल एंड में इधर आपको छोटा सा छत सा दिख रहा होगा, बिल्कुल वो ICCI इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर सेक्टर 25 द्वारका का। और अगर मैं थोड़ा सा इधर हो जाऊंगा टर्न, तो आपको येलो वाले गर्डर्स दिख रहे हैं, देखिए वहाँ पे जिसमें गर्डर को प्लेस किया जाता है, तो वो वाला जो सेक्शन है वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है, द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2। और यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे बिल्कुल, तो पहले धुलसरस चौक आ जाएगा, धुलसरस चौक के बाद भरतल चौक आएगा, फिर सेक्टर 21 वाला सेक्शन आएगा, फिर सेक्टर 21 का अंडरपास आ जाएगा द्वारका का, और वहीं से अगर स्ट्रेट चले जाएंगे तो टी पॉइंट पे शिव मूर्ति आ जाएगा। तो यहीं से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो पैकेज 2 खत्म हो जाएगा सेक्टर 21 के अंडरपास के पास, और वहां से पैकेज 1 शुरू हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। अब यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए ये चीज़ें आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी दिखाया होगा मैंने आपको कई बार, तो ये आई गर्डर्स बोलते हैं इसको, या गर्डर्स बोल लीजिए, ये जो गर्डर्स हैं इससे ब्रिज बनेगा। तो ये ऐसे जो गर्डर्स हैं, ये लगभग यहाँ पे 90 गर्डर्स हैं, तो 90 के 90 गर्डर्स को यहाँ पे कंक्रीट कर दिया गया है। तो ये पूरा सेक्शन आप देखिए, यहाँ पे देखिए ये गर्डर्स हैं, सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देखिए गर्डर्स रखे हुए हैं, और कुछ गर्डर्स जो है देखिए मिट्टी के दूसरी तरफ, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल एंड में देखिएगा जहाँ आपको पेड़ नज़र आ रहे उधर, तो वहाँ पर भी गर्डर्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ गर्डर्स हैं और मेरे पीछे की तरफ भी कुछ गर्डर्स, अभी मैं आपको वो सेक्शन भी दिखाऊंगा। यहाँ लेफ्ट में आपको झंडा सा दिख रहा होगा, मैं जूम भी कर देता हूँ, देखिए यहाँ से ही गोल्फ कोर्स शुरू हो जाता है द्वारका का। द्वारका में जो गोल्फ कोर्स बन रहा है, जब मैं उसका वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में उसका टाइमलाइन बताऊंगा, हालांकि उसमें काम शुरू हो चुका है। और अगर आप गुड़गांव वाले सेक्शन में रहते हैं और वहाँ से आपको ये गोल्फ कोर्स रोड आना है, मान लीजिए आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास रहते हैं गुड़गांव वाले सेक्शन में, और वहाँ से आपको ये गोल्फ कोर्स आना है द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू, तो हार्डली ये 10 मिनट का रास्ता होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए रोड लेवलिंग का काम चल रहा है,
यहाँ से जब हम आगे जाएंगे थोड़े और द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, तो कुछ पार्ट जो है लगभग 200-250 मीटर के करीब वो ब्लैक टॉप हो चुका है। और ये वाला जो पोर्शन जहाँ पे वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है, लेवलिंग किया जा रहा है, इसको आप मान के चलिए कि नेक्स्ट एक हफ्ते में इसे भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन जहाँ ये गाड़ी खड़ी है सफ़ेद वाली, यहाँ से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक, ये पूरा सेक्शन ब्लैक टॉप हो जाएगा पूरा। अब ये तो हो गया द्वारका वाला साइड, अब हम नजफगढ़ ड्रेन की तरफ चलते हैं और उसके दूसरे तरफ का दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये गडर्स आपने देख लिया, अब यहाँ पे आप देखिए ये नजफगढ़ ड्रेन है। अभी अगर आप धुलसिरस चौक की तरफ से आते हैं और नजफगढ़ की तरफ जाते हैं तो इस सेक्शन से आप आते हैं ऐसे करके धुलसिरस की तरफ से, और ऐसे होते हुए वहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो एक लेन का ही, जिसमें हार्डली दो गाड़ी ठीक से मूव कर पाती हैं। वहाँ पे देखिए अभी भी जो ब्रिज है उसमें ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ये देखिए। तो अगर किसी को नजफगढ़ से आना है और किसी को नजफगढ़ से जाना है दिल्ली की तरफ, तो ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, और एक बस और एक कार आ गए तो फिर तो वहाँ ट्रैफिक जाम ही लग जाता है। तो अभी मैं आपको वहाँ का भी वीडियो दिखा दूंगा छोटा सा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये रोड जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे ट्रक फंसी हुई है, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और लंबे से ट्रैफिक का कतार है वहाँ पे। अब वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट भी ब्रिज बना रही है, वो 2x2 लेन का ब्रिज है, वो वाला ब्रिज भी रहेगा। पुराना वाला जो ब्रिज है वो तो खैर हट जाएगा जैसे वो नया वाला ब्रिज शुरू होता है। ऑलमोस्ट नए वाले ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है, दिल्ली गवर्नमेंट जो बनाई थी पिछले 2-2.5 साल से, लॉकडाउन भी रहा बीच में, उसमें ब्लैकटॉप का काम अभी बचता है। लेकिन अब ये जो UER2 का पार्ट है, यहाँ पे देखिए मैं इसके बिल्कुल ब्रिज के बीचों बीच खड़ा हूँ, और ये जो ब्रिज का आपको काम दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे गर्डर्स को प्लेस किया गया है, 4 गर्डर को प्लेस किया गया है यहाँ पे, टोटल 90 गर्डर्स यहाँ पे प्लेस होने हैं। और यहाँ पे 4 स्पैन है, जैसे आपको यहाँ पे एक पिलर दिख रहा है, देखिए एक पिलर यहाँ है, दूसरा पिलर यहाँ है, इसके पीछे ये रहा तीसरा वाला पिलर, ये चौथा पिलर, आपको यहाँ पे नीचे पिलर दिख रहा है, उसके ऊपर पियर कैप भी बन गया है। तो यहाँ से लगाना शुरू करेंगे ऐसे करके, और यहाँ से जो वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई आपको दिख रही, ऊपर देखिए आपको कुछ कार्स खड़ी हुई दिखेंगी, तो वो नजफगढ़ ड्रेन का दूसरा वाला हिस्सा है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस पॉइंट से 5 स्पैन है, मतलब 5 बार ऐसे ऐसे करके गडर्स आगे लगेंगे। तो एक स्पैन, फिर दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और चौथे से 5वें स्पैन में, तो टोटल जो यहाँ पे गडर्स लगेंगे, देखिए वहाँ पे भी गडर्स रखे हुए हैं, तो जो टोटल गडर्स यहाँ पे लगेंगे वो 90 गडर्स लगेंगे, जिसमें से ये जो वॉल है ना, ये वॉल इधर भी बन चुका है, और ये वॉल नजफगढ़ ड्रेन के दूसरी तरफ जो दूसरा एंड है वहाँ पे भी बन चुका है। बीच में जो आपको पिलर दिख रहा है, देखिए ये वाले पिलर और पियर कैप तो बन चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए इस पिलर के पीछे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पियर कैप का काम चल रहा है, उसमें कंक्रीट किया गया है, लेकिन उसके साथ अगर आप देखेंगे पीछे वाला तो देखिए वहाँ पे कंक्रीट नहीं हुआ है अभी, धूप बहुत है, मेरी बैंड बच गई है गर्मी में। और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए पीछे आपको दिख जाएगा कि पिलर तो बन गया लेकिन उसमें पियर कैप का काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ साथ में देखेंगे, क्रेन के पीछे देखिएगा, वहाँ पे पियर कैप की कास्टिंग चल रही है। ठीक इसी तरह अगर आप बिल्कुल एंड के तरफ देखेंगे, पियर कैप का काम वहाँ पे भी हो गया है, कास्टिंग को भी कर दिया गया है, लेकिन ये जो आप पियर कैप देख रहे हैं, ये वाला जो पिलर देख रहे हैं या पियर कैप देख रहे हैं, ये इसके बाद मतलब सेकेंड जो थर्ड वाला रो है वो पूरा का पूरा जो रो है ना वो बना नहीं है अभी। जो ब्लू वाली आपको जेसीबी दिख रही है वो वहाँ पे मिट्टी खोद रही है, वहाँ पे अभी पियर कैप का काम होना बाकी है। तो आप मान के चलिए कि पियर कैप का जो काम है और जो ये गडर्स, इसमें 90 गडर्स रखने हैं और इन सब चीज़ों को जो कंक्रीट करना है, रास्ता नहीं बना होगा बट गडर्स जो है वो बारिश से पहले पूरी कोशिश है कि इसको कर दिया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि एंड ऑफ जून 2022 तक ये वाला जो पुल का काम है, सिर्फ इसमें रोड नहीं बना हुआ होगा बट रोड का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा ढांचा है रोड का, वो बिल्कुल ब्रिज का जो पूरा ढांचा है वो बिल्कुल बन चुका होगा यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में। अभी मैं वहाँ पे भी चलूँगा और वहाँ पे आपको दिखाऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये जो क्रेन्स आपको दिख रहे हैं, 2-2 क्रेन लगे हुए हैं और ये गर्डर को उठा के इस पे रखा गया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए 4 गर्डर आपको दिखेंगे यहाँ पे रखे हुए। और अगर आप यहाँ पे शाम तक आते हैं या रात तक आते हैं तो जैसे ये 4 गर्डर यहाँ पे प्लेस्ड है, वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5 और गर्डर्स को लगा के जो 2 स्पैन है, एक ये पूरा स्पैन और एक ये पूरा स्पैन, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ पे कितने लेन्स होंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे 4 पिलर आपको दिख रहे हैं, उनके बीच में मीडियन है, जहाँ पे ये क्रेन खत्म हो रहा है वहाँ पे मीडियन है,
तो उस मीडियन से दो तो मेन कैरिजवे होगा, मतलब हाईवे का दो दो लेन, मीडियन से लेफ्ट और मीडियन के राइट जो मेन कैरिजवे है यूईआर टू का, वो यहाँ पे दो दो लेन होगा। दो दो लेन काफ़ी बड़ा लेन होता है जिसमें दो ट्रक आराम से जा सकते हैं, बड़े साइज़ वाली। और उसके बाद दो लेन का सर्विस लेन भी होगा। तो ये जो आप गटर्स देख रहे हैं ना, ये सर्विस लेन के गटर्स हैं। मतलब टोटल अगर मीडियन से हम देखें तो चार लेन इस तरफ और चार लेन उस तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप द्वारका से रोहिणी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट करके देखिए कि हार्डली 20-25 मिनट लगेगा यहाँ से आपको रोहिणी जाने में, या जीटी करनाल रोड जाने में, या अगर आप मूर्थल की तरफ जाना चाहते हैं, यहाँ से आज के डेट पे द्वारका से कोई मूर्थल की तरफ जाना चाहता है तो शायद 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक जैम आता है बहुत जगह और वो फंस जाते हैं ट्रैफिक जैम में। बट अगर आप गुड़गांव से द्वारका से मूर्थल की तरफ या जीटी करनाल रोड की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाएगा जाना इसके बनने के बाद। यानी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 27 नवंबर 2023 का टाइम है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है ना कि सरफेस रोड बहुत ज़्यादा है, ब्रिजेस का काम बहुत छोटा सा है, तो हो सकता है कि ये नवंबर 2023 से पहले ही कंप्लीट कर लिया जाए। मेरी जब भी डिस्कशन होती है NHAI के साथ इस बारे में तो मुझे यही इंडिकेशन मिलता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उससे पहले UER2 को कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि UER2 जो है वो पूरा का पूरा सरफेस है और बहुत छोटा सा पोर्शन है जो एलिवेटेड सेक्शन है यहाँ पे। अब यहीं से आप बहादुरगढ़ भी जा पाएंगे और यहीं से आप सोनीपत भी जा पाएंगे, वो भी बहुत डिस्टेंस कम कर देगा। और आपने न्यूज़ में ये पढ़ा ही होगा कि दिल्ली का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको शिफ्ट करेंगे UER2 में, उसके बारे में भी कभी मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप कंस्ट्रक्शन के बारे में जानिए कि कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर आपको दिखाता हूं कि क्या काम चल रहा है। तो देखिए यहां पे गटर्स लग गए हैं, ये आपको एक ही गटर दिख रहा है लेकिन यहां पे टोटल चार गटर्स लग गए हैं। पानी को रोक दिया गया है, कई लोग बोलते हैं कि ये वेटलैंड है, तो देखिए मैं बिल्कुल नजफगढ़ ड्रेन के अंदर ही हूँ खड़ा हुआ। ये मैं नजफगढ़ ड्रेन के पास आ गया हूँ और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पूरी मिट्टी सूखी हुई है। आइडियली क्या होता, अगर वेटलैंड होता तो पानी नीचे से निकल रहा होता, राइट। बट देखिए यहाँ पे भी पूरी मिट्टी सूखी हुई है, पानी को यहाँ पे रोका गया है। देखिए इस तरफ अगर आप देखेंगे तो देखिए पानी को रोका गया है यहाँ पे, ये ड्रेन का पानी इस तरफ। और सामने अगर आप देखिए दो बसेस, मैंने आपको बताया था अगर बसेस आते हैं तो फिर और लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, बस और एक कार एक साथ क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो स्कूल बस है, वो भी छोटी वाली बस है, लेकिन क्योंकि कार भी जा रही है तो वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और उसी के साथ जो थोड़ा ऊंचा सा आपको लेवल दिख रहा है ग्रे कलर का, वो नया वाला पुल है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है, वो कंप्लीट हो गया उसका काम ऑलमोस्ट, बहुत जल्द उसे खोल दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी वीडियो बनाकर आपको दिखाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब पियर कैप बना था यहाँ से भी देखिए प्लेन टेक ऑफ करते हुए, बट जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 से प्लेन का टेक ऑफ रिकॉर्ड करने में मज़ा आता है, वो यहाँ से उतना मज़ा नहीं आता है। ये देखिए पियर कैप, जब आप नीचे पाइलिंग करते हैं पिलर बनाने के लिए तो पाइलिंग करने के बाद जो वेस्ट है वो वेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए। या हो सकता है ये टेस्ट पाइल किया गया हो पहले। अब यहाँ पे आप देखें तो देखिए ये, इससे पहले मैं उसके दूसरे तरफ था ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो वो मेन वाला जगह है जहाँ पे रेस्ट किया गया है गटर को। उसके बाद हम दूसरे सेक्शन में आ गए, यहाँ पे आपको चार पियर कैप दिखेंगे। उसके बाद देखिए ये वाले सेक्शन में बीच के जो दो पियर कैप है, पिलर तो बन गए हैं सारे बट की पियर कैप नहीं बने हैं। ये देखिए एक यहाँ पे पियर कैप बन गया है, एक बीच में पियर कैप बन गया, लेकिन इस साइड में और एकदम कॉर्नर में वहाँ पे अभी नहीं बना है। और नीचे देखेंगे आप मिट्टी तो पूरा, ये हम ड्रेन के ऊपर ही खड़े हुए हैं, मिट्टी पूरी सूखी हुई है, कोई पानी नीचे से नहीं निकल रहा है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ से आपको आगे लेकर चलता हूँ, नीचे भी पूरा धूल है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ड्रेन को खोल के रखा गया है, ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बर्ड्स भी दिख जाएंगी, लेकिन बदबू बहुत ज़्यादा है क्योंकि ड्रेन है यहाँ पे। तो ये जो ड्रेन जा रहा है ना, आप मान के चलिए कि ये जो पोर्शन है ड्रेन के पास, यहाँ पे ड्रेन के बाद वहाँ पे भी पिलर बनना है, तो वो पिलर और पियर कैप का काम जो है वो अगले एक महीने में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया। और जो वो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है रोड का, उस सेक्शन से इस सेक्शन तक लगभग 90 गर्डर्स लगेंगे, जिसमें से चार गर्डर को ऑलरेडी प्लेस कर दिया गया है। तो जून 2022 तक यहाँ पे सारे गर्डर्स लग चुके होंगे। यहाँ पे जो बीच का पियर कैप मिसिंग है जहाँ पिलर नहीं बना है, वो पिलर विलर का भी काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए आपको वहाँ पे
दो हमारे स्पाइडरमैन और सुपरमैन दिख रहे हैं काम करते हुए, तो उसी जगह पे एग्जैक्टली पिलर बनना है और पियर कैप लगना है। और यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम फ्यूचर में रोहिणी की तरफ चले जाएंगे। और ये पूरा नजफगढ़ ड्रेन जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, अब यहाँ से हम दूसरी तरफ चलते हैं और वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। धूप बहुत है और हमारे यहाँ पे स्पाइडरमैन सुपरमैन जो है, देखिए ये नीचे रेस्ट कर रहे हैं। आराम करना भी बहुत ज़रूरी है काम करने के बाद। तो आइए अब यहाँ से मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ले जाता हूँ। और एक्चुअल में जो द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 जहाँ पे जुड़ेगी उस एरिया में कितना काम हो गया वो भी आपको दिखाता हूँ। गर्मी और धूप से बैंड बच चुकी है मेरी, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और UER के जितने भी व्यूअर्स हैं जो UER2 के वीडियो का वेट कर रहे थे, ये एक छोटा सा ग्लिम्स है आपके लिए। अभी और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा और UER2 के बारे में भी आपको बताऊँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा द्वारका एक्सप्रेसवे के फॉलोअप से। वैसे वैसे मैं कुछ कुछ पार्ट UER2 का भी कवर करता रहूँगा। गर्मी बहुत है। देखिए ये वाला जो सेक्शन है, इसी सेक्शन से आप अगर स्ट्रेट चले जाएंगे और नजफगढ़ ड्रेन के साथ साथ, तो सेक्टर 107 वाला सेक्शन आ जाएगा गुड़गांव का। और यहाँ से जो आपको वो हाई राइज अपार्टमेंट दिख रहे हैं पीछे, देखिए वो DDA के न्यू अपार्टमेंट्स हैं। और ये जो पूरा मिट्टी वाला एरिया आपको दिख रहा है, अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा, वो वाला सेक्शन सेक्टर 24 है गोल्फ कोर्स का, जो द्वारका में बन रहा है, जिसे DDA बना दिया। पानी को स्प्रिंकल किया जा रहा है कि धूल मिट्टी ना उड़े, क्योंकि ये सूखा रास्ता है और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पानी भी टाइम टू टाइम डालते रहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई व्हीकल मूव हो या आप भी पैदल चले तो मिट्टी ज़्यादा ना उड़े। तो ये सब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी मेजर्स जो लिए जाते हैं वो लिए जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए इससे पहले मैं उस वाले लोकेशन में था, अगर हम यहाँ पे आगे की तरफ चले जाते तो रोहिणी की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से अब मैं एयरपोर्ट की तरफ जाऊँगा, यानी यहाँ से मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाऊँगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको दूर से ये आई गर्डर्स दिखाए थे, यही आई गर्डर्स हैं जिनसे ब्रिज का फ्रेम बनना है। और पीछे आपको क्रेन दिख रहा होगा, तो ये सारे जो गर्डर्स हैं, यही टोटल 90 गर्डर्स हैं और 16 पिलर्स हैं। तो 16 पिलर्स के ऊपर 90 गर्डर्स लगेंगे और 5 स्पैन हैं। अब यहाँ से इस सेक्शन में, ये जो सेक्शन है ये सेक्टर 24 है द्वारका का, ये जो बाउंड्री वॉल्स आपको दिख रहा है यही नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर जो बांध बना हुआ है, जिसके ऊपर रोड है, जो टेम्प्रेरी रोड है जिसे हम लोग सारे यूज़ करते हैं, ये वो वाला रोड है। ये सेक्शन अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो हाई टेंशन टावर आप देख रहे हैं सामने, ये देखिए इसके पीछे जो पूरा सेक्शन है ये गोल्फ कोर्स है द्वारका का। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो लगभग आप 10 मिनट में ट्रैवल कर लेंगे। ये देखिए दो हाई टेंशन वायर है लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट वाला जो है वो हटा दिया जाएगा और राइट वाला जो है वो मेन हाई टेंशन वायर और टावर रहेगा। वहाँ पीछे आपको द्वारका के रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ दिखेंगे, जो ग्रीन एरिया है उसके पीछे, और ये पूरा जो है ये गोल्फ कोर्स होगा। अब इसमें घास वास वाला काम इस जगह पे नहीं हुआ है, जहाँ पे हुआ है वो पार्ट भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए जो फ्लैग्स ये सब आपको लगे हुए दिख रहे हैं, तो ये सब दिखाता है कि ये पार्ट भी जो है वो गोल्फ कोर्स का है यहाँ पे। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ और वो वाला सेक्शन दिखाऊंगा जहाँ पे UER2 जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाएगी। धूल और मिट्टी में चल चल के हालत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब इतनी गर्मी इतना धूप कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसे फील कर सकते हैं। और इस समय मैं वो फील कर रहा हूँ, एक्सट्रीम हीट जिसे बोलते हैं वो फील कर रहा हूँ। और बिल्कुल हाई टेंशन वायर्स के नीचे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे आपको आवाज़ भी आ रही होगी, अगर मैं चुप हो जाऊँ तो आपको ट्र करके आवाज़ आएगी। देखिए तो अब मैं आपको UER2 की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 2 है वहाँ पे लेकर चलूँगा। अब यहाँ पे मैं कैमरे को टर्न करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था वो मैं उस सेक्शन से बना रहा था जहाँ आपको क्रेन्स दिख रहे हैं आगे, देखिए यहाँ आपको क्रेन्स दिख रहे हैं, उस सेक्शन से वीडियो बना रहा था। अब मैं यहाँ से द्वारका की तरफ फेस करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो रोड लेवलिंग का काम चल रहा है। यहाँ सरफेस रोड है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज टू है, जो धुलसिरस चौक से जब यूआर टू की तरफ आते हैं वो जहाँ पे ख़त्म होगा, तो पैकेज टू वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यूआर टू का जो पैकेज थ्री है वो शुरू हो जाएगा। इतने सारे टू और थ्री है कि आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। तो देखिए अभी ये जो है ये वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है यहाँ पे। इसमें दो मेन कैरिजवे वाले लेन्स होंगे और दो सर्विस लेन होंगे, बीच में मीडियन होगा, यानी कि दोनों ही तरफ मीडियन से चार चार लेन होंगे। और आप देख सकते हैं वहाँ पे आगे रोड रोलर है, तो ये तो आपको वाटर बॉन्डिंग का काम होता हुआ दिख रहा है। यहीं से हम आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि रास्ता भी कुछ जो है वो ब्लैक टॉप हो गया, और यहाँ पे बहुत बड़ा सा आपको कास्टिंग यार्ड नहीं दिखेगा, क्योंकि कास्टिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरफेस रोड है मोस्टली। अगर मैं इस तरफ आऊँ तो देखिए, मैं आपको जब मैं नजफगढ़ ड्रेन की तरफ था वहाँ पे, तो वहाँ से आपको दिखाया था कि यहाँ पे भी गडर्स रखे हुए हैं, तो देखिए वो आई गडर्स यहाँ पे भी रखे हुए हैं, तो टोटल 90 आई गडर्स हैं। प्लेन टेक ऑफ कर चुका है बट यहाँ से बहुत दूर है। तो फ्यूचर में अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होंगे या IICC की तरफ से आ रहे होंगे तो इस डायरेक्शन से आएंगे, UER2 में आएंगे, और UER2 से आप यहाँ से नजफगढ़ की तरफ या रोहिणी की तरफ जा सकते हैं, या GT करनाल रोड की तरफ भी जा सकते हैं। अब आइए मैं आपको यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये मीडियन है, इसके यहाँ पे लेफ्ट और यहाँ पे राइट चार चार लेन्स होंगे। देखिए अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जिस जगह पे अभी मैं था वहाँ पे भी मशीन आ गई है, शायद इसमें कंक्रीट आया है और कंक्रीट को जो इस रोड का बाउंड्री वॉल है वहाँ पे उस कंक्रीट को डाला जाएगा। अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज टू की तरफ। वो जो आपको यहाँ पे आप देखिए एंड में आपको येलो येलो से ऊपर स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, वहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं UER2 से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं पास आऊँगा मेरे राइट हैंड साइड में आपको फिर ICC भी विजिबल हो जाएगा, जो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है वो, और आगे मैं आपको जो ब्लैकटॉप हो गया रास्ता वो भी आपको दिखाता हूँ। कि यहाँ पे वाटर बॉन्डिंग का काम चल रहा है, देखिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था, मैं बिल्कुल यहाँ से इसके एंड से वीडियो बना रहा था, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ से अगर मैं आगे जाऊँ, क्योंकि यहाँ से कार नहीं जा सकती है, तो फिर से मुझे धूप में ही निकलना पड़ेगा बाहर, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ड्रेन का काम भी हो गया, तो ये मेन कैरिजवे है दो लेन का, और उसके बाद सर्विस लेन वाला कैरिजवे है। ये जो पार्ट है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये UER2 है, और आगे जो आपको बाइक और कार जाती हुई दिख रही है, देखिए इसी रोड को यूज़ करके नजफगढ़ से आप अभी एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं या द्वारका की तरफ आते हैं। आगे जाके भी वो रोड होगा, बट जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ UER2 की कनेक्टिविटी है वो यहाँ से होगी। देखिए यहाँ पे UER2 का जो पार्ट है उसे ब्लैकटॉप भी कर दिया गया है, और यहाँ से जहाँ ब्लैकटॉप ख़त्म होता है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जो येलो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, और येलो स्ट्रक्चर के नीचे जो आपको सीमेंटेड ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो गडर्स हैं जिसके थ्रू टनल का छत बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे जो येलो गडर्स दिख रहे हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज टू है, और ये जो आपको येलो येलो वाले स्टील के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो कास्टिंग यार्ड है पैकेज वन का, पैकेज टू में। और जैसे वो कास्टिंग यार्ड ख़त्म होता है उसके बाद से UER2 शुरू हो जाता है, और जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये पैकेज थ्री है UER2 का। मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको कि इसमें बहुत सारे टू और वन और थ्री हैं, तो कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। जहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँ तो वो स्लोप मुझे दिख रहा है जहाँ से मैं चढ़ूँगा और मैं एलिवेटेड रास्ते पे ले लूँगा, और वहाँ से मैं गुड़गांव की तरफ भी जा सकता हूँ, वहाँ से मैं द्वारका की तरफ भी जा सकता हूँ, और वहाँ से मैं एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकता हूँ, वहाँ से मैं वसंत कुंज की तरफ भी जा सकता हूँ। और जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर रेडी होगा, उसका जो पैकेज वन है वो बनकर रेडी होगा, तो आपको रेडिसन होटल की तरफ से घूमकर गुड़गांव जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप जैसे टी पॉइंट के पास पहुँचेंगे वहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो वसंत कुंज, राइट ले लेंगे तो गुड़गांव, लेफ्ट लेंगे तो जैसा आज रास्ता है वैसे ही रहेगा, बट
रास्ता और बेटर हो जाएगा, डेडिकेटेड लेन्स हो जाएंगे आपके आने जाने के लिए। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए यहाँ से अगर मैं अंदर की तरफ चले जाऊँगा तो वही पोर्शन आ जाएगा जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है और जो ब्रिज बनाने का काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ता बोल बोल के। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे कंक्रीट किया जा रहा है सीमेंट को इस जगह पे पूरा। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है इसको कंप्लीट कर दिया गया है। इधर भी यहाँ पे दो लेन है और उधर भी दो लेन है तो इसको कंप्लीट कर दिया गया है। इससे पहले जो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा था वो देखिए वहाँ पे पीछे क्रेन्स लगे हुए हैं उस जगह का था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एग्जिस्टिंग वाला है। इसी तरीके से अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो ट्रक को रुकना पड़ता है, एक ट्रक और एक कार एक साथ नहीं आ सकती है तो रास्ता बहुत पतला है ये और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। तो यहाँ पे ये ब्रिज भी आपको दिख गया, ये धुलसीरस वाला ब्रिज है नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर। काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया, फिनिशिंग का काम चल रहा है, बैरिकेड्स भी लग गए हैं दोनों तरफ यहाँ पर। और जो कॉन्ट्रैक्टर इसको कर रहे हैं उनका नाम आप यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ आप ये भी पढ़ सकते हैं, ये देखिए। और पीछे यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपको नजफगढ़ ड्रेन दिख जाएगा। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं ये देखिए, तो जिस सेक्शन में मैं था पहले वो सेक्शन आपको दिखाता हूँ। देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, पीछे की तरफ आपको जो क्रेन्स दिख रहे हैं और जेसीबी मशीन दिख रही है काम करते हैं, मैं वहाँ पे था। यहाँ से लगभग ये 250 मीटर आगे है तो वो NHAI वाला जो ब्रिज है वो वहाँ पे बन रहा है UER2 का। और ये मैं धुलसीरस वाले ब्रिज के ऊपर हूँ जिसे दिल्ली गवर्नमेंट बना रही है। यहाँ पे ब्लैक टॉप अभी नहीं हुआ है, कॉन्क्रीट तो हो गया है सारा कुछ, ठीक है। और यहीं से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा तो सेम वो लोकेशन आ जाएगा जहाँ से मैं वो वीडियो बना रहा था। गर्मी बहुत है, कैमरा भी बहुत गर्म हो गया, पकड़ा भी नहीं जा रहा है, इतना गर्म हो गया और बार बार ऑफ भी हो जा रहा है। मुझे पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ और कितना नहीं हुआ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और UER2 का ये पहला वीडियो है सारे रेसिडेंट्स के साथ, सारे यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में जितने ज़्यादा व्यू आएंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स और जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, उतना जल्दी मैं UER2 के और भी अपडेट्स बनाने लगूंगा और आप तक पहुँचाने लगूंगा विथ एक्चुअल टाइमलाइंस, जो गवर्नमेंट का टाइमलाइन है, एक्चुअल टाइमलाइन जिसमें काम शुरू होना है, जिसमें काम खत्म होना है। जैसे मैं द्वारका एक्सप्रेसवे का बनाता हूँ वैसे ही UER2 का भी वीडियो बनाने लगूंगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपके रिस्पांस के ऊपर, आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं बहुत सारे आपके लिए वीडियोज़ बनाऊंगा जिससे आपको बहुत सारे फायदा होगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद जय भारत। और जैसे मैंने जय हिंद जय भारत कहा तो आप ऊपर देख सकते हैं कि ये जेट एयरवेज है जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी, अब जेट एयरवेज ने काम करना शुरू कर दिया तो उसकी फ्लाइट, उसकी प्लेन दिख गई मुझे यहाँ से उड़ते हुए। तो ऑल द बेस्ट जितने भी एक्स एम्प्लॉयज़ और जेट एयरवेज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको, वापस से प्लेन उड़ना शुरू हो गया है। मुझे याद है कि मैंने जो लास्ट फ्लाइट किया था वो जेट एयरवेज से मैं नेपाल गया था 2019 में, 4th या 3rd ऑफ अप्रैल 2019 को मैं ट्रैवल कर रहा था।